फिर गुडविल एम्बेसडर बनने पर इतना विवाद क्यों है? क्या सलमान ही है इसके लिए राइट चॉइस? मनोज जी, सवाल ये उठ रहा है कि एक एथलीट, एक खिलाड़ी को छोड़कर आपने फिल्म स्टार को गुडविल एम्बेसडर क्यों बना दिया? इस फिल्म स्टार का खेल के क्षेत्र में क्या योगदान है? मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में. मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में गया था. मैं कनाडा अपने इंडिया का झंडा लेके गया था. जब मैं उस प्रोग्राम में गया था तो मैंने देखा था कि सिर्फ 4 या 5 ही लोग इंडियन लोग थे वहाँ पे, और जब अमेरिका वाला आया था, जब कनाडा वाले आए थे तो हज़ारों होंगे देश के लोग थे. तो ओलंपिक में जब हमारे इंडिया के लोग जाएंगे और सलमान भाई अगर वहाँ गए तो बहुत सारे लोग उनको देखेंगे. क्योंकि क्या होता है कि जो अगर जैसे मैं वहाँ पे गया ओलंपिक में या मिल्खा सिंह जी जाएंगे वहाँ पे तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं ला सकते. बट ए फिल्म स्टार सलमान भाई इज अ रियली हीरो, यू नो, द पीपल दे वांट टू सी हिम. एंड अगर वो आएंगे तो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं. पर मनोज जी, थोड़ी अजीब सी बात नहीं है, मिल्खा सिंह के ऊपर फिल्म बनी है, भाग मिल्खा भाग. लेकिन आपको लगता है अगर वो ब्रांड एम्बेसडर होते, गुडविल एम्बेसडर होते, तो शायद उतने लोग ना आए जितने सलमान खान को लेकर आए? नहीं, प्रॉब्लम है कि जैसे सलमान भाई वहाँ पे आएंगे तो क्या होगा कि अभी जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से मीडिया हमेशा क्रिकेट दिखाता है, पर दूसरे स्पोर्ट्स में उतना वो नहीं. अगर सलमान खान वहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे मीडिया वाले भी आएंगे, क्योंकि क्या होता है जहाँ पे हजारों लोग हैं जहाँ बहुत सारे लोग, तो मीडिया वहाँ पे 100% आया जाएगा. और जब मीडिया वहाँ पे आएगा तो जो दूसरे स्पोर्ट्स वाले हैं उनको अच्छा चांस मिलेगा आगे बढ़ने का, उनको अप्रिशिएट मिलेगा कि ठीक है बहुत सारे मीडिया वाले कह रहे हैं, एक तो मोटिवेट लोग आए हमारे नजर. मुझे मालूम है जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया था दुनिया का. जी, मैं आपकी बात आगे ले जाना चाहूंगी. अंकिता भामरी मेरे साथ मौजूद है, पूर्व टेनिस प्लेयर है. अंकिता, आपको क्या लगता है सलमान को बनना चाहिए गुडविल एम्बेसडर? सुना जैसे कि मनोज चोपड़ा यहाँ पर कह रहे थे कि जब वो खेलने गए थे किस तरह से भारत के समर्थक बस चंद थे, उंगलियों पर गिनने वाले, और अमेरिका की तरफ से पूरा हुजूम. तो सलमान खान उस गैप को भरने का काम करते हैं अपने फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी के माध्यम से. बिल्कुल, इनकी बात भी ठीक. मनोज चोपड़ा जी, आप सहमत होंगे अंकिता भामरी की बात से कि आप खुद खिलाड़ी हैं, आप खुद रेसलर हैं सर, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप ही के फ्रेटर्निटी के और आप ही के जो खिलाड़ी साथी हैं उनकी मार्केटिंग हो? आप क्यों अभी नहीं जो, अभी जो कबड्डी मैच हुआ था, उस कबड्डी मैच में क्या हुआ था, बीच में बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले थे लोग, उनमें बहुत सारे फिल्म वालों ने प्रमोट किया, रणबीर था, अभिषेक बच्चन था. एक कबड्डी का मैच बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ. और मैं चाहता हूँ कि जैसे सलमान भाई अभी आ रहे हैं तो कोई पैसा नहीं ले रहे, वो आएंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे और लोगों को ज्यादा स्पोर्ट्स वाले मालूम चलेगा और लोग फिर मार्केटिंग कर सकेंगे. अभी क्या होता है कि ओलंपिक से कोई मेडल जीत के आता है जब इंडिया, तब हम पहचानते हैं अच्छा इसने मेडल जीता, इसने शूटिंग में मेडल जीता, इसने रेसलिंग में मेडल जीता. मैं सब जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं मैं सबको अपोलोजाइज करता हूं उसके लिए. मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं. मैं चाहता हूं सलमान खान क्यों, मैं खुद जाऊं उसमें जाता हूं कि एम्बेसडर बन गए. पर अभी प्रॉब्लम है कि मेरे जान से उतना इन्फ्लुएंस नहीं आएगा. फर्क नहीं है सलमान खान का, प्रदीप सरदाना जी फर्क नहीं है. अभिषेक बच्चन ने टीम खरीदी है, उसमें पैसा लगा है तो वो सपोर्ट करते हैं, चेयर करते हैं. यहाँ सलमान खान एक पैसा नहीं ले रहे हैं, ये आईओए ने साफ किया. और उसके बाद अगर अभिषेक जुड़ रहा प्रोग्राम में तो ज्यादा अच्छा हुआ प्रोग्राम ना, लोगों ने देखा उसको. मनोज कह रहे हैं प्रदीप जी की प्रोग्राम अच्छा हुआ, तो क्या मान के चलें कि अगर खेलों को आगे बढ़ाना है क्रिकेट के सिवा या क्रिकेट भी, तो उसमें आपको बॉलीवुड का